हम जा रहे हैं शिव कोड़ी केव, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ 350 किलोमीटर की दूरी पे। 350? मैं कह रहा हूँ इन वादियों में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो हम मेन मंदिर के लिए लेट हो जाएंगे। सही। ओ डरा दिया अंकल ने, टी शर्ट पहनी, मेरे को डर लग गया। अंकल आपने टी शर्ट पहनी, मैं डर गया। चलो उतर चुके हैं। दीदी क्या हुआ था तुम्हें? मैं थक गया। उल्टी मारी दीदी ने अभी दबा के? उल्टी भी मारी ना किसी ने? अच्छा अंकल ने मारी, मेरे को दीदी ने मारी है। सही तो मैं फोन, तभी तो मैं आगे से पूछ रहा, दीदी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही। अरे सही है, सही है। यहाँ पे लोग बंटा पी रहे हैं, बोलना भी है पिस करके। तो गाइस कुछ ऐसा सीन है ना कि यहाँ से हमें ऑटो करके जाना है ऊपर शिवकोड़ी, मतलब मंदिर पे। तो अब चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक? हाँ मतलब वहाँ, सॉरी सॉरी, हाँ तो जहाँ तक शुरू होती है वहाँ तक। और एक बंदे के 10 रुपए, 10 बंदे लेके जाते एक बारी में। जलन हो जाती है, जलन। तो फिर मैंने बोला कि लड़के हो यार, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? As usual. तो फिर कहते हैं, फिर अपनी फेवरेट लाइन बोलो ना। हाँ वाला फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बोला गोवा जाओ, तो कहते फिर कहते वहाँ वाला फर्क पड़ा। तो किस मूवमेंट पार्ट टू? हमारे दो पार्टनर अभी मिल नहीं रहे, वो है गोलू भैया और गोलू भैया अंशु भैया। उन लोग का ना आग लगे जाए बस्ती में, दोनों रहते मस्ती में। तो चलो चलते ऊपर। बस यार हार्डली 5 मिनट लगे हैं पहुँचने में, पहुँच गए अब थोड़ी देर बाद। ये इधर चढ़ते हैं ऊपर चढ़ाई भाई, पहुँचने मतलब पहुँच नहीं, स्टार्टिंग कर दी है चलने की, स्टार्ट हो गया। हाँ चलने की स्टार्ट कर दी है, और हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हम थोड़ा चश्मा लेने लग गए थे। अब चश्मा देखो मैंने कैसे बनाया, एक के ऊपर एक। गाइस यहाँ से अंदर मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है एंट्री गेट की, पर्ची कटती है, हमने वाइस पर्ची कटवाई है, पर्ची कटवाओ फिर वहाँ से रास्ता, फिर वहाँ से ऐसे रास्ता जाएगा ऊपर भोले बाबा की तरफ। मतलब लोग इतने अच्छे, मतलब इतने हम लोग इतने सही हैं कि हमारे पास दोस्त है, बात बात करने का परिवार है। वो अंकल घोड़े से बात कर रहे थे। हाँ कि ठीक है चलवाएगा ऐसे, सही में अबे वो ऐसे बोल रहे होंगे। ठीक है सही है चल पाएगा ये, कुछ कुछ लोगों की आदत होते हैं लोगों से जानवर से बात करने। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जानवर से नहीं काट। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अबे तू व्यवहार भैया का इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि लोगों के पास बात करने के लिए कोई है नहीं है। लोग हाँ कि लोग भी कितने लोनली है। नहीं ये बात तो बहुत सही जी भैया, बता दो। नहीं भैया नहीं, दो नहीं नहीं, नो इफ यू गिव देम आंसर दे विल डायरेक्टली गो अहेड। कितनों को दोगे? कैसे दोगे? लड़कियां नहीं ये चीज़ इनसे शिकायत करती।
हम जा रहे हैं शिव कोड़ी केव, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ 350 किलोमीटर की दूरी पे है। 350 किलोमीटर की दूरी पे है। पर भैया यहाँ पे जो कर दिए वीडियो चलती है ना तो फंबल हो ही जाता है, ठीक है, इसलिए उसके लिए सॉरी। लेकिन 350 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, मैं इनको देखने के लिए वापस गया था। और हम अभी थोड़ी सी दूरी पे आए थे, देखे कि सारे जवान हमारे बैठे हुए हैं, ये देखो सारे बैठे हुए हैं। बच्चा मिल गया था जिनको इन्होंने चॉकलेट दी। लेट कंटिन्यू, मेरी भी फंबल हो गई। उसके बाद मैं ये बता रहा था कि ये जो तीर्थ चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, ये फैमिली के साथ आने लायक बढ़िया है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, फ्लैट ही है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम भी नहीं होती चलने में। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, वैष्णो देवी जैसा जो है नहीं, अभी भी एक प्रॉब्लम है, इन घोड़े खच्चर होगी। हाँ, रास्ता चौड़ा नहीं है ज्यादा, तो उसी रास्ते पे जाने वाले भी है, क्योंकि पैदल भी है और खच्चर भी है, क्योंकि ये वाला कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। और अबे भाई तुम ही चले जाओ, तो मेरा एक सजेशन है कि उससे करो, कैमरे से मत करना रिकॉर्डिंग, नॉट ऑन फोन से करना, क्योंकि जब टूटेगा तो दुख कम होगा। हाँ, दुख हटना तो वो उसमें ही नहीं है। अभी तक धूप थी, अब थोड़ा छांव आ गया, अच्छा लग रहा है थोड़ा, और हमने ग्लासेस भी लगाए हैं, गॉगल्स लगाए हैं, तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रहा था तुम भी लगा लो। मतलब दिखेगा नहीं, इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन नहीं वो हाँ क्लियर नहीं दिखेगा। ओ हाँ, आई वांट क्लैरिटी, तो वो ले लो ना। इस जैसे मैंने करा था अभी बीच में, इस चश्मे के ऊपर भी मैंने ग्लास लगा लिए थे, ये वाला टैलेंट नहीं है मुझे। उसमें आपको कार्टून दिखाई देने की ज्यादा संभावना है कि आप कार्टून लगेंगे, उसमें ज्यादा क्लियर दिख जाएगा, उतना क्लियर भी नहीं देखना। अरे इसमें फ्रंट में व्लॉगिंग तो बढ़िया होती भाई, केव ना दिख जाए। ओए भाई ये फ्रंट, ये व्यू देखो तुम जरूर। अरे अच्छा, जायदाद कर दू, जायदाद कर दू तुम्हारे नाम जायदाद। अरे भैया भी उम्र ही क्या है, बीवी तक पहुंचा दी तुमने। दीदी बोला है, बीवी नहीं बोला, बीवी बोला उसने। क्या दीदी आई है, वो जाने दीदी आ गई, ये जाने छोटी दीदी। हां चलो भैया, तो दीदी के नाम। अरे भाई स्माइल आ गई भाई, भाई खुश हो गया, खुश हो गया भाई। क्या करते दिल्ली वाले, दिल्ली दिल वालों की, कलकत्ता कंगालों की, बम्बे पैसे वालों की, जम्मू लूटने वालों की। सो गाइस, न्यू अपडेट और थक चुके, पसीना आ चुका मेरी, तो पूरी बैग गीली हो गई है। और ये है कि अभी बारिश होने वाली है थोड़ी देर में, बाकी अब थोड़ी देर में फिर इरिटेट होंगे एक दूसरे से, फिर लड़ेंगे, लेकिन शांत होना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। चलो उठो 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 फटाफट। चलो भाई अभी इधर से प्रसाद ले रहे हैं, ठीक है, अभी सब लोग रुके हुए हैं, और मौसम इज ऑसम। देव सीढ़ी
आ गई भाई, सीढ़ी आ गई, इसका मतलब मंदिर भी आ गया। मौसम देख लो, वीडियो बना लियो, फाइनली पहुंच गया, मेन गेट की फोटो खींच सकते हैं, अलाउड है। हाँ, उसके बाद वीडियो बना के लग जाओ, फिर आपको मिलेंगे दर्शन करने के बाद। हाँ, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता। पीछे मस्त ढोल ढोल बज रहे हैं, हालत एकदम टाइट हो रखी है क्योंकि हम बस पहुंचने वाले हैं। हाँ। दीदी आपके बच्चों में बहुत एंथुसियाज्म है यार, इतना हम में नहीं था। हाँ, अरे आप 8th तक ही रह गए, 8th के बच्चों तक ही होगा इतना, 9th के आते हो सारे गंजेड़ी सुटेरी हो जाते हैं, कलाकार हो जाते हैं। हाँ, अरे पढ़ाई का प्रेशर तो ऐसा करना जरूरी हो जाता है। ये देख लो भाई, ये देख लो भागते हुए गए। हाँ लेकिन बस थोड़ा रिलीफ में सही रहता है। हाँ सही है, बाकी पिल्ले फुल एनर्जेटिक है आज। पिल्ले में शर्ट है, किसी को पता तो कमेंट होता ना, पिल्ले किसे कह रहे हैं। डिकोड करना कि हम पंप पिल्ले किसे कह रहे हैं। हाँ। चलो मंदिर तो आने वाला है, देखो भाई बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि प्रसाद वरसाद लेना था या कुछ था। शाबाश, चलो लॉकर लेना, जूते भी सबको आने, सबके जूते जाएंगे ना। तो यहाँ पे जूते चप्पल उतर गए, अब फोन वो रख के जा रहे सारे ऊपर, फोन राइट बैग पे डाल दो सब बच्चों, फटाफट फोन रिलेक्ट कर रहे भाई। 10, 13, 13 और 3, 16 ठीक है, ठीक। हाँ लाओ मेरे को जूते उठा लो ना, बिल्कुल चले भैया। हाँ इच्छा हो तो कर रहा, मेरी इच्छा तो नहीं कर रही है क्योंकि ये बंदा क्या बोलते हैं सेवा के नाम पे ना अपनी जेब खर्ची बनाना चाह रहा है। अच्छा, जो कि मैं कहीं भी देना सही नहीं समझता। कंटिन्यूअल अननेस बंदा के मतलब हेल्थ ठीक है, और ठीक है, नौकरी है और चलने फिरने वाला है, नौकरी में तो कभी रिसेशन ही नहीं आएगा। हाँ, बल्कि प्रमोशन अलग। और भी आपको कैसा लगा दर्शन का, आप पहली बार आए? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था या शायद आपको पिछले शॉट में दिखाई देगा कि इस रास्ते पे आराम से आया जा सकता है, रास्ता ठीक है, नहीं आपको लेकिन अंदर ऐसा अंदर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर का 1 किलोमीटर काफ़ी हार्ड है चढ़ाई, तो सोच समझ के आना। और बाकी अंदर का जो नज़ारा है गुफा का बहुत ही बढ़िया है, मौसम है, खुद आएंगे एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे मेरे कहने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आइए एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद बताइए कमेंट्स करके वीडियो में। तो दीदी बताओ आपको कैसा लगा अंदर गुफा में? बहुत ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ठंडी गुफा थी, और मतलब ये कि लगता है आपको कि क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा और सांस से घुटेगी, दम घुटेगा, पर सब निकल जाते हैं, पर सब मोटे से मोटे ना। अंकल आपको कैसा लगा? बेटा बिल्कुल बेस्ट, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया, भोले बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, हम सारे प्रसन्न हैं। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। भैया आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, तो गाइस दर्शन हो गए बहुत अच्छे, अब तुम व्यू देखो बस। चल दीदी, हमारी दीदी थक गई आज, इसको उल्टी उल्टी हुई है। अभी नहीं हुई, उल्टी तो नहीं हुई, होने वाली है। अच्छा होने वाली है, तो तुम बैठी क्यों थी? या मुझे ना अचानक से बहुत पता नहीं क्या हो गया था, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस हो गई थी क्या? हाँ, अनकॉन्शियस नहीं होता, सबकॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियसनेस अंदर से आ जाती है। ओ ये तो मेरे को आज पता चला, एनर्जी लो हो गया था आज, हाई जोश नहीं था। अभिषेक ये बता, तू यहाँ पे आके इतना वो करे, कहीं तूने अचानक से स्नोफॉल देख ली? हाँ। तब तेरा हाल तो तू तो बौरा जाएगा। क्यों भैया, सोना स्नोफॉल ही तो है, बौरा जाएगा। लेकिन स्नोफॉल हो गई और गोवा जाएगा, पहली बात तो भी मजा आ जाएगा। हाँ। एक बार समुंदर देखेगा, मतलब कुछ चीज होती है जो एक बार करने में बहुत मजा आता है। हाँ तो अभी तो मैं छोटा ही हूँ, कितना 17 साल का ही तो हूँ, 18 वही 17-18, 1-2 साल तो ऊपर नीचे हो जाएगा भाई। एक टाइम पे ये भरी भरी रहती थी सच्ची में। पहाड़ों पे आके मैगी नहीं खाई तो क्या खाया?
ब्रेड पकौड़ा भी खाया दोनों ने, कुछ भी ना खाया झूठे। मैं देख रही थी, बोलो तो रिकॉर्ड कर दी। पहले आए थे, अभी तक ब्रेड पकौड़ा नहीं आया हमारे पास। तो ये क्या है फिर? इसमें आधा ब्रेड बचा हुआ किसी का मैं दे दिया था कि खा लो। तो गाइस हो गए दर्शन पूरे, अब हम जा रहे हैं बैक टू द अपने होटल। हाँ, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर। दर्शन सक्सेसफुल। इधर देखो साइट सीइंग कर रही हैं आंटी वगैरह। ये है एंट्री। हाँ, ये यहाँ से एंट्री है। हो आओ घुमाओ। देखो हम गए भी ऐसे थे और आए भी ऐसे हैं, खुशी आंटी। और भैया मिस करा हमको, बड़ा ज्यादा मिस किया, बड़ा टाइम लगा यार। 6 घंटे लगा दिए ना हमने, 4 घंटे का रास्ता 6 घंटे लगा दिए भाई ऊपर ना। तो गाइस हो गई है मतलब ये भी पूरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। आज तो जोश भाई सर, चलो खड़े क्यों हो फिर? ए मेरा रिव्यू ले तो मैं बता दूंगा तुझे। बता रिव्यू नहीं, स्टेशन पे रिव्यू लेंगे। यहां पे देर हो रही है, हमें अंदर पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले वहां से बहुत घाई रहती है, लोग बहुत ज्यादा घाई रहती है। चलो चलो लेट हो जाएंगे। चलो चलो गाय गाय में रस्सी भूल जाओगे। अरे यार फैमिली फोटो नहीं हुई एक भी। पापा कोई पैक नहीं छोड़ेगा, याद रखना अंकित। चलो चलो चलो।